एसएमसी ने इनिशिएटिव लिया है ये टनल बनाने का, ये हमारे लिए और पूरा सोसाइटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर बाहर से कोई भी बंदा अंदर आएगा हॉस्पिटल में, वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो या कोई भी सिविलियन हो, पेशेंट का अटेंडेंट हो या पेशेंट हो, वो जब इस टनल से एंटर होगा तो इसमें जो केमिकल यूज़ किया गया है उससे वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बाहर से डॉक्टर साहबान बाहर निकलेंगे या कोई भी मेडिकल स्टाफ या कोई भी बाहर निकलेगा, ऐसे ही अगर उसको कुछ जरासीम होंगे अपने बाहरी तौर पे तो वो इसकी इससे पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। डीकंटैमिनेशन और सैनिटाइजेशन टनल हमने लगाई है, बहुत सारी कंट्रीज में लगाई जा रही है। हॉस्पिटल्स के बाहर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि एक बायो एक फिल्टर बने, जो अंदर जाए वो डिसइंफेक्ट हो, जो बाहर आए वो डिसइंफेक्ट हो। इसके आगे JLNM और बाकी हॉस्पिटल्स में भी लगेगी। सर कब तक लग हम बना रहे हैं ये, तो हम स्टार्ट से अपने मैकेनिकल वर्कशॉप में बना रहे हैं, लगभग 2-3 टनल्स हम मुझे लगता है एक दिन में बना पाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम टनल्स हम श्रीनगर में लगाएं ताकि लोग डिसइंफेक्ट और डीकंटैमिनेट हो। थैंक यू।